अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको चिकन पॉप्स बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी उसमें मैंने दो चिकन के ब्रेस्ट लिए हैं जिनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और हाफ टी स्पून इसमें नमक जाएगा जिससे हम इसको चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके अलावा 1 टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्चें, 1.5 कप जो है वो मेरे पास ब्रेड क्रम्ब है, हाफ कप मैदा है, 1 अंडा और 1 कप दूध इसमें जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले हम इसके अंडे और दूध को मिला के एक बैटर बना लेंगे। और इसी तरह हम मैदे और ब्रेड क्रम्ब को भी मिला लेंगे। इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे, काली मिर्च और नमक भी इसी में शामिल कर देंगे। और अब हम चिकन में मिर्च, काली मिर्च और नमक शामिल करके इसको मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे और अंडे और दूध को मिक्स कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे फ्राई किस तरह करना है। व्यूअर्स, चिकन को मैंने 15 मिनट तक मैरिनेट किया है। इसके बाद हम इसको एक एक पीस लेंगे और अंडे और दूध का जो हमने मिक्स बनाया था इसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब और आटे का जो हमने मिक्स बनाया था उससे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इसको दो दफ़ा हम इसमें अंडे और उसमें दूध में डालकर फिर हम अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे और इस तरह से बना लेंगे। व्यूअर्स, तेल हमारा अब गर्म हो चुका है। इसमें हम अपने ये चिकन पॉप्स डालेंगे। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, इतना व्यूअर्स मैंने तमाम चिकन पॉप्स इसमें शामिल कर दिए हैं और अब ये हम 10 से 15 मिनट तक इनको मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, मैंने 10 से 15 मिनट तक इनको फ्राई किया है, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इन्हें हमें बहुत डार्क नहीं करना और ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ।